उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पिछले सरकार पर हमला करने वाली सत्तारूढ़ बीजेपी की बोलती अपराधियों ने बंद कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में 14 साल के नाबालिग की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी और यूपी पुलिस इस वारदात को टलने से नहीं रोक पाई। हर दिन सामने आ रहे ऐसे मामलों पर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम मायावती ने कहा, यूपी में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और अपराधियों का बोलबाल है। अगर यूपी सरकार हालात बेहतर करना चाहती हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ को बिना झिझक के बीएसपी से सीख लेनी चाहिए। मायावती ने याद दिलाया कि वो 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री रही हैं और तब कानून व्यवस्था स्थिर थी। यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि क्या यूपी के मुखिया ने खबरें देखना छोड़ दिया है? क्या गृह विभाग में बैठे लोगों के सामने ये खबरें नहीं जाती? यूपी में हर दिन गुंडा राज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सीएम के गृह क्षेत्र में अपहरण की घटना घटी है। पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। उन्होंने ट्वीट किया, गोरखपुर से अपहृत बच्चे की हत्या का समाचार बेहद दर्दनाक व दुखद है। शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना। लगातार अपहरण और हत्याओं के बावजूद भी भाजपा सरकार का निर्लज्ज मौन और निष्क्रियता प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस मामले पर यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट किया, योगी जी के गृह जनपद गोरखपुर में बच्चे का अपहरण हुआ, हत्या भी हो गई। यूपी में अपराधों की बाढ़ आई है। एक घटना का शोक खत्म नहीं होता, दूसरी आ जाती है। क्या वादा किया था, क्या हाल बना दिया योगी जी ने। हमेशा की तरह इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई का लॉलीपॉप दे दिया है, लेकिन बढ़ते अपराध पर चुप्पी साध रखी है। हाल के दिनों में यह यूपी में अपहरण की तीसरी और अपहरण के बाद हत्या की दूसरी वारदात है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में आने के बाद अपराध में बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।